सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। सन्नाटे को चीरती हुई। सर आप इतना चीरते हैं, कभी शेविंग क्रीम का पैकेट चीरिए, कभी शेविंग बनाइए सर। शम स्टाइल कार, जब भी आप न्यूज दे रहे होते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके कौन सी लड़की को बुलाते हैं? आइए आपको हम दिखाते हैं। ऑडियंस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े मीडिया वालों के साथ हमने अविका गौर को कैसे बुला लिया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कलर्स के साथ मंथली पे हैं। तो आज इनकी शूटिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने बोला आप लोग इस्तेमाल करिए। एक आदमी ने महिला को छेड़ा, कई सारे लोगों ने उसे मारा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए, पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। मर्दानगी आवाज से आती है, मर्दानगी एटीट्यूड से आती है। एक मिनट, मेरा फोन बजा, कट करना। हेलो मम्मा। तेरे मुल्क को खाना मम्मा। 1 बाजू में गोश्त 2 बाजू में खरगोश। तेरे को पता है आज मीडिया से बड़े बड़े रिपोर्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। अरे मीडिया से ही रिपोर्टर आते हैं। एक मिनट, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर आ रहे हैं। अरे हाँ, पर हमारे शो में तो किसी का टॉप गिरा ही नहीं। अरे पागल, अरे बहुत बड़े बड़े मतलब महान रिपोर्टर्स, ऐसा हाँ लिख के दिया था कि महान बोलना। कौन महान? पता ही राइटर बोल रहा था, महान रिपोर्टर्स आ रहे हैं। आजा तेरे को दिखाते हैं कौन कौन आने वाले हैं। दिखाओ जरा। नाम शम्स ताहिर खान, प्यार से शम्मी बुलाते हैं। काम पिछले 11 सालों से आज तक पर अपने शो वारदात से लोगों की नींदें खराब कर रहे हैं। उम्र जान के क्या करोगे आप, आपको कौन सा अपनी बहन का रिश्ता करवाना है। नाम श्रीवर्धन उर्फ सनसनीवाला। काम चिल्ला चिल्ला कर जुर्म रोकना, जुर्म तो रुके लेकिन हजारों लोग बहरे हुए उसका क्या। उम्र इनकी त्वचा से इनकी उम्र का साफ पता लगता है, बाल और दाढ़ी काले करने से कुछ नहीं होता। नाम संजय प्रभाकर। काम वही जो दूसरे रिपोर्टर करते हैं, बस ये ज्यादा दिखते नहीं। उम्र रिटायरमेंट वाली। नाम अविकर गौर उर्फ बालिका वधु उर्फ रोली। मुंबई में आज इनके अपने बहुत सारे उर्फ हैं। काम बचपन से करती आ रही हैं। उम्र 750 एपिसोड की हो चुकी हैं। टेलीविजन पे मीडिया के महान लोग आज नाच रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, इसे कहते हैं सच्ची सेलिब्रिटी। अविका देखो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी अपनी रिपोर्टर लेके घूम रही है। मैं कहीं भी बैठूंगी आप न्यूज़ बना देना, मैं कहीं भी कुछ करूंगी आप मेरा इंटरव्यू ले लेना।
हमारी अविका बहुत ज्यादा टैलेंटेड है आपको पता, चॉकलेट खाते खाते कलर्स में आई थी और आज देखो चॉकलेटी कलर की मर्सिडीज है इसके पास। जोरदार तालियां। और गौर से पहचानिए इस शख्स को, ये वही है जो ऐसे कर करके लोगों की आंखें फोड़ता है। सर नहीं, मेरी कभी नहीं फोड़ी सर, लेकिन एक बात बोलूं। बोलो। यहाँ पे तीन तीन मीडिया से लोग हैं, लेकिन सर दिल से बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा आपकी दाढ़ी के बाल हैं। अरे दाढ़ी इसको कहते हैं, दाढ़ी है तो दाढ़ा है, दाढ़ा। हाँ, लेकिन सर कमाल हो तो मैं आप लोगों को श्रीवर्धन जी के बारे में बताऊं कि 11 साल से ये शो कर, 11 साल अभी हो जाएंगे और 4,500 एपिसोड कर चुके हैं। आई थिंक और कमाल का मतलब सर आपकी सैलरी। गौर से पहचानी शातिर चेहरे को, चेहरे से सोना है, सन्नाटे को चीरती हुई, सन्नाटे को चीरती हुई। सर आप इतना चीरते हैं, कभी शेविंग क्रीम का पैकेट चीरिए, कभी शेविंग बनाइए सर। क्या पता सर अंदर से एक हैंडसम आदमी बाहर आए, गोगा कपूर के अंदर से रणबीर कपूर बाहर। सर हम चाहते हैं एक बार आप बोल के बताएं। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। सन्नाटों को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज। नहीं सर, मैंने एक बार मम्मी के सामने किया था, इतनी जोर से डंडा मारना, ये सन्न कर रहा है। क्या बात है, ये जैसे लग रहा है कि मतलब उतनी लड़की का बाप ही है, मतलब जो ऐसे गेट पे खड़े होते यार मिलनी के कंबल आए कि नहीं, मतलब आपसे रिपोर्टर लगते ही नहीं, आपको पता है इतने मतलब खूंखार रिपोर्टर, बहुत लोग डरते हैं आपसे। शम, क्या नाम है आपका सर? सर बोलिए ना सर। शम साहिर खान। क्या? हाँ, शम साहिर खान। और मेरे को बताइए सर, जब भी आप न्यूज दे रहे होते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके कौन सी लड़की को बुलाते हैं? आइए आपको हम दिखाते हैं। जब निकला वो अपनी बुलेट प्रूफ कार से, लोगों ने कहा अपने लोन के पैसे दे पे। संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं संजय सर के बारे में आप लोगों को बताऊं कि 2004 में इन्होंने इलेक्शन का रैकेट बर्स्ट किया था, उसके बारे में सर बताना नहीं, कॉमेडी शो है नहीं तो ये लोग सब और भी मतलब सीरियस हो जाएंगे। फिर उसकी वजह से सर लॉकअप भी गए थे, मैं आप लोगों को बताऊं, और लॉकअप में जाने के बाद मतलब इतना बड़ा इलेक्शन रैकेट बर्स्ट करने के बाद लॉकअप में लोग इनसे पूछते थे, क्या साइकिल चुराया तू? पैकेट मारा क्या? इधर से कांदीवली के नाला सुपारा। लेकिन हमारी प्यारी सी रोली उधर करके ऐसे हंस रही है। रोली अपने सीरियल में बहुत रोली, लेकिन इधर सिर्फ हंसना। यस, पक्का? इसलिए तो आई हूँ। हाय, देखो कृष्णा अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी बहुत खातिरदारी होगी, और खातिरदारी के लिए हाँ। इनको बिठाना भी पड़ेगा, तो सिंहासन को नीचे बुलाते हैं। चलिए 1 2 3। तो चलिए फिर कृष्णा जी, किसको भेजे सबसे पहले? भारती जी। शम शम्स खान जी। सर आपकी बारी। शम्स जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए भारती जी, फिर चलिए निकलिए फिर आप। अरे मैंने आपको पीछे जाना है। वो तो चली जाऊंगी यार, थोड़ा सा कपड़ा क्या बच जाता है, लोग जैकेट बना लेते हैं। खैर ऑडियंस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े मीडिया वालों के साथ हमने अविका गौर को कैसे बुला लिया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कलर्स के साथ मंथली पे हैं। तो आज इनकी शूटिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने बोला आप लोग इस्तेमाल करिए। बिल्कुल मेरी पुरानी वाली साइकिल की तरह, मतलब जब मैं नहीं यूज करता था मेरी बहन ले जाती थी उसको, चलो भैया। खैर लेकिन जितने मीडिया वाले हैं इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉमेडी वॉमेडी हम लोग यहाँ पर सब चलती रहती है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज जो हमारे देश की हालत है, लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, और हम लोग न्यूज़ में हमेशा देखते हैं कि जो यूथ है वो मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकला है, और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये कॉमेडी नाइट्स बचाओ सिर्फ सैटरडे को क्यों आता है, संडे को भी लाओ, संडे को। सर आप एक्स फाइल्स करते हैं सर, एक आध वीडियो हमको भी भेजिए सर। इंटरनेट काफी स्लो चलता है मेरा। कैसा वीडियो? अरे वही सर जिसमें वारदात हो रही हो।
खैर क्या स्टाइलिश नाम है इनका, शम्स। शम्स जी रेडी हो जाइए, अभी आने वाली है आपके स्वागत में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। बस शाबाश, क्या बात है, पहले आने में बड़ा मजा आता है। आप लोग सोच रहे होंगे हम छाती फुला के काहे आए हैं। अरे भैया 11 हफ्ते में पहली बार हम भारती से पहले आए हैं, स्टैंड अप करेंगे हम। तो हमारे स्टैंड अप का पहला लाइन है कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारती का। ससुर का नाथ काहे छुप रहे हैं, बाहर आओ, तनिक बाहर आओ, जरा बाहर आओ, तोरी दाढ़ी नोच देंगे। अरे का करे ना, उसका भी दाढ़ी है, आपका भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन दाढ़ी आप ही का नोचेंगे। अरे भारती का, अरे का, अरे काहे छुपे थे उनके पीछे, छुपने की चीज है। अरे भारती सुनो, मीडिया वाले हैं, हर जगह पहले पहुंच जाते हैं, तो सुहाग रात पे क्यों नहीं काहे आए। मैं मेहमान स्वागत किए करो ना, खातिरदारी करेंगे सर। और कैसे हैं सर? बस ठीक, बिल्कुल ऐसे शाहरुख खान की तरह बैठे हैं। तो अविका भी आई है, वो अच्छी लड़की है, उनसे बात करो ना। कौन? अविका गौर। ई ई ई इसका दीवाना है जो काले कोट वाला। हाँ हाँ नहीं, हम देखा है इसका न्यूज़ चैनल में, एक ही बार कहता रहता है गौर से देखिए। अविका गौर को कहता रहता है। अरे वो गौर से नहीं, वो उनका स्टाइल है, गौर से देखिए, वो स्टाइल है उनका। तो काहे चिल्लाते बाबू इतना, काहे ऐसे है? ई का होता है, ई का होता है, कोई वेरिएशन दो, ऐसा ऐसा भी करो। एक बात पूछनी है सर, काहे इतने बाल है, इधर भी बाल। एक पता है, लेकिन आदमी दिल का बहुत अच्छा है, इसने खून दान किया था, वो वापस कर गए, कहते सर इसमें तो बाल ही निकली जा रहे हैं। न्यूज का दिखाते हैं, देखिए हमारे चैनल पे भैंस ने पहना पहली बार इंसान का कच्चा। जी हाँ, इंसान का कच्चा पहना भैंस ने। 6 घंटे वो न्यूज दिखाते रहे, तो हम देखते रहते, अरे बहन कच्चा कैसे पहनती है भैंस। फिर बाद में पता क्या दिखाया, राम कपूर को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। गुड़िया बड़ी हो गई है। हाँ बड़ी हो गई है, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप चूसते चूसते कह देती शोका 3 लाख लूंगी। काहे 3 लाख नहीं ले सकती, अगर हम इस शो का 15 लाख ले सकते हैं, तो ये 3 तो ले ही सकती है। 15? तू ऐसे कहेगा, तू भी तो 250 ले रहा है ना। तुम ना बस 24 घंटे बकवास करती रहती हो। अच्छा तो तुम 24 घंटे न्यूज देखते रहते हो, ऊ का हा? अब ऊ लोग आए तो बकवास नहीं बोल सकते। 12 बजे से लेके सुबह रात के 2 बजे तक देखते रहते न्यूज, और 2 बजे के बाद जब पकड़ने का मन करता तो आ जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, आई लव यू शम्स ताहिर खान। इतना देखते हैं कि उनके नाम याद है। न्यूज रिपोर्टिंग में बहुत मेहनत लगती है। ये लोग होते हैं ना, ये सब न्यूज वाले, ये मिली भगत होती है, ये ब्लू वाले भाई साहब जो ऐसे करके बैठे है ना, ये जो बहुत सर पे लोन है, काहे इतना लोन लेते, चुप बैठते हैं। एक्चुअली इनके बाल पहले बड़े थे, इन्होंने कटवाए, इनको अपने गंदा लगने लगे, कहते हाय मैंने कटवा लिए। ये मिले हैं, जब ये न्यूज चलाते दूसरे को फोन करते थे, देख मैं न्यूज चला रहा हूँ, तू भी वही चला, लोगों को लगेगा यही हिट न्यूज है।
अरे ऐसा नहीं होता, इनमें एक और है, वो ना एक मिनट में 100 खबरें सुनाते हैं, फटाफट न्यूज। अरे कितनी गलत खबरें सुनाता, मैंने सुना, मैं देखो तो सही, कहा इतना एक मिनट में 100 खबरें सुनाता, हमने इससे करके सुना, कहते देखिए बेटे ने किया कत्ल, बाप की कोख सुनी, बकरी ने किया हा 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 हो, की चारों टांगे गोबर पे, भैंस की आंख नशीली, लो एक मिनट, हम खुश है, देखा नहीं हमारा चेहरा कितना हंस रहे हम। देखो सुनो, न्यूज ना लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। क्या इम्पोर्टेंट होता है? छोटी बहन को कुछ मन चले लड़कों ने छेड़ा, बड़ी बहन को हुई जलन। ये ऐसा न्यूज कौन दिखाता है? न्यूज ने हमारी बात बता रहे हैं, हमारी बहन को छेड़ा, हम पास में खड़े थे, हमको नहीं छेड़ा, तो बड़ी बहन को जलन होगी ना। तुमने अपना शक्ल देखा है, तुम्हारे को कौन देखेगा? का हाँ। ये तो दुबई से कहे आ गए, तुमको कौन देखेगा? तुमको अरबी हो का? कहे नहीं देखेगा। वो कौन है जो चार बक्से लगा के ऐसे नेता लोग बिठा के कहता है, बताइए जनता मांग रही है आपसे जवाब, बताइए जनता मांग रही है आपसे जवाब। वो कौन है? जनता तो हम ही, हम तो कभी जवाब नहीं मांगा उनसे, हम तो मर्द लोग से बात नहीं करते। नेशन वांट टू नो, ये क्या होता है, कौन है नेशन फैशन? न्यूज वाले है तो न्यूज वाले है तो क्या हुआ, कुछ गलत छाप देंगे? हम डरते थोड़ी है, माफी नाम की भी तो कोई चीज होती है। का ऐसा मैंने माफी थोड़ी मांग ली भारती से, ऐसे कैसे माफी मांगोगी? नहीं, ये लोग माफी मांगेंगे कि बस कर मेरी माँ, कहोगे कि नहीं ये बड़ा मन चला है। ये का है, गौर से पहचानिए काले कोट वाले को, गंदे गंदे इशारे कर रहा है, इससे 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 करा। चलो हमारे पास एक वो है, वो कौन है सर, वो नाम नहीं याद आ रहा, वो बंदे का गोविंदा है ना, उसका भांजा है हमारे पास, ऐसे बैक से नाचता रहता है, उसको बुला लो। ए का है, किधर है कृष्णा? आज करण वाही के लिए जोर, पहली बार कैरेक्टर प्ले किया, करण वाही के लिए जोरदार। लेकिन कितना मल्टी टैलेंटेड है, आप देखिए कि एक ही स्क्रिप्ट में 5-5 कैरेक्टर प्ले किए, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बिहारी बनाए कि उड़िया बनाए कि मराठी बन रहा है। अरे अरे भैया कमाल। सर आपने देख पहचाना कि नहीं, ये भी न्यूज पे आते हैं? हाँ, नहीं नहीं एंकरिंग नहीं करते, रात में से दवाई लेकर रहते, क्या आपके पति आपसे खुश नहीं है? दवाई ये दवाई का ऐड इसलिए कर रहे होते हैं, पैसा जमा करके उसी से दवाई खरीदेंगे। है भारती और करण के लिए जोरदार तालियां। कहाँ है कृष्णा जी? हाँ जी, हम तो बिना डांस किए जाएगी नहीं यहाँ से। अच्छा, किसको नचवाना है? अरे हमने तो सलमान खान के साथ डांस नहीं किया, लेकिन ये लोग तो बलवान खान के साथ तो करेंगे। कहाँ है ना, ये थोड़े परेशान है, बाल कटवा लिए इन्होंने, लेकिन ये खुश है और ये भी खुश है, तो हम इनके साथ नाचना चाहते हैं। हाँ तो बुलवा लेते हैं ना, कहाँ प्रॉब्लम, आइए आज आप भी आइए। पहली बार अपना वो चैनल है ना कलर्स, उस पे सबसे पहली बार अपने इतने महान रिपोर्टरों को नाचते हुए देखे गया, जोरदार तालियां। सर आपको मजा आया? बहुत मजा आया। अभी हम आपको थोड़ी सी रेस्ट देंगे, अविका अब आपकी बारी है उस सिंहासन पे बैठने की। और मतलब कोई साथ में होना चाहिए, अकेली बच्ची बेबी को अकेला कहाँ भेजेंगे? अरे सर तो डैडी को, ब्लू है शर्ट शर्ट, आप सर बैठेंगे आज। संजय जी बेबी एंड डैडी के लिए जोरदार तालियां।
आज यहाँ पे न्यूज वाले भी हैं, डेली सोप वाले भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं जब एक न्यूज वाला डेली सोप बनाने के लिए जाता है तो क्या क्या होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नसीम और श्रुति का। नमस्कार, कॉमेडी नाइट बच्चों के न्यूज स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपको बोलना चाहिए, आप रिपोर्टर स्वागत है। वैसे सर आप भी बैठे हुए हैं। अरे बहुत सी तालियां इनके लिए, इंडिया टीवी की सबसे बड़ी बहू अविका बोर। सॉरी स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया। इनसे किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी, कहती 750 एपिसोड सैटरडे संडे निकाल के। वैसे इसमें इनका कोई कसूर भी नहीं है, जब से होश संभाला है सेट पे तो रहती हैं। इन बेचारी का कोई कसूर ही नहीं है। जल्दी से कैमरा निकाल, ब्रेकिंग न्यूज आई है। देखना अब मैं ऐसी रिपोर्टिंग करूंगी ना, हमारा चैनल रातों रात नंबर वन हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। अरे ये वाला नहीं यार, वो वाला कैमरा। अगर रातों रात हिट हो ना तो यही कैमरा यूज होगा। चुप कर। अच्छा चल जल्दी से फेस का क्लोजअप लो। अरे फेस का क्लोजअप लो। मैं ज्यादा सीनियर हूँ, मुझे पता कि लोग क्या देखना चाहते हैं। हेलो जी, नहीं सर, सर सॉरी सर, सर प्लीज सर एक मौका तो दी। क्या हुआ? सर ने नौकरी से निकाल दिया यार। छोटी सी बात में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी। उन्होंने कहा कि काम के वक्त तुम दोनों बड़ा टाइम पास करते हो। नो तो खुद क्या करता है हमारा बॉस? इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। छह छह लोगों को बुला के वहां पर डिस्कशन करता रहता है और बोलने किसी को नहीं देता। अब बता क्या करेंगे? मैं तो डेली सोप बना लूंगा अविका को लेकर। अरे प्लीज मुझे भी डेली सोप में ले लेना, मैं हीरोइन बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ भैया। देख या भैया बोल या कुछ भी कर सकती हूँ बोल। ठीक है भैया। सीन ये है कि तुम्हारी एक सास है, वो चाहती है कि तुम ट्विंस बच्चे पैदा करो। हाँ। और तुम एक भी नहीं पैदा कर पा रही और इसलिए वो तुम्हें घर से निकाल देना चाहती है। रुको रुको रुको, मैं अपनी सास को एक बच्चे के लिए मना सकती हूँ। हाँ? हाँ, लेकिन फिर भी वो तुम्हें घर से निकालेगी। अरे क्यों? इसलिए कि तुम्हारा पति मर चुका है। अब बिना पति के बच्चा पैदा करोगी, चाहे दो करो चाहे एक करो, हरकत तो घर से निकलने वाली है। लेकिन एक मिनट, अगर मेरा पति नहीं है तो फिर मेरी सास मुझसे बच्चे कैसे मांग रही है? यही तो ब्रेकिंग न्यूज है। बिना बेटे के सास को चाहिए जुड़वा बच्चे। क्या ये दे पाएगी जुड़वा बच्चे? चल छोड़ यार, मुझे नहीं करना ये डेली सोप। अरे यार हमसे वैसे रिपोर्टिंग हो भी नहीं सकती, ये तो बहुत खतरनाक करते हैं ना। ऐसे ही आके टीवी में कह देते हैं हुआ एक आदमी का कत्ल, और वो भी उस वक्त जब वो सो रहा था। मैं तो इनके डर से सोता ही नहीं हूँ। जो टीवी में जब होते हैं ना, तो कोई आदमी ऐसे ही किचन में चला जाए तो टीवी के अंदर से हाथ निकाल के कहते हैं अटेंशन यहाँ खड़े रहो। इनके तो मुंह पे इनकी कोई बुराई नहीं कर सकता। क्यों? आंख में उंगली मार देते हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे भाईजान कुछ नहीं कहा मैंने, क्या बोलना है? देख हाँ। हम लोग कॉमेडी करते हैं तो कोई हंसता नहीं है, रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग हंसते हैं, हो क्या रहा है यार? श्रुति तो एक काम कर। हाँ। तू पता क्या कर, तू जब कॉमेडी करती है ना तो किसी को बताया ना करके मैं कॉमेडी कर रही हूँ, फिर लोग हंसे। हो गया तेरा, तू रिपोर्टिंग का बताना, हंसी आती रहेगी। अब बुला ले। बुला लो। कृष्णा कैसा लगा सर इनका? है ना, बड़े सीधे लगते ना एकदम इनोसेंट। ऐसे लोग कभी न्यूज में नहीं आते। पता है तब आते जब भूकंप आती है, बाढ़ आती है, एकदम पीड़ितों जैसी शक्ल है ना इनकी। और ऐसे लोगों के सामने माइक रख दो ना, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगा है। सर ये देखे शक्ल से अमीर लग रहा है। हाँ। ऐसे आदमी कभी गाड़ी में नहीं आते, हमेशा हाँ। गाड़ी के नीचे ही आते हैं। खबरदार मेरे बारे में कुछ कहा तो। हमारे टेलीविजन की सबसे पुरानी और सबसे सीनियर एक्ट्रेस सुषमा सेठ, सॉरी श्रुति सेठ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे अरे सर इतनी पुरानी है, आपके न्यूज चैनलों पे न्यूज नहीं आती है, मोहनजोदाड़ो ये वो, तमिलनाडु के मंदिर का दरवाजा खुला और मिला सोना। हमने भी बहुत साल पहले किला खोला था, वहां से कचरा मिला था हमको। अभी का सच्ची में आपके शो में जो दादी आती है ना, वो इसकी बेटी है। हाँ सच्ची में।
एक दिन चाय पी रही थी, चाय पीते पीते बोलती है अरे इतनी सारी मलाई, मैंने बोला मलाई नहीं तेरी झुर्रियां गिर रही हैं उसमें। है नसीम जी और श्रुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। संजय जी मजा आ रहा है बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट लें अभी जी, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक के बाद एक कोई भारी पड़ जाए। तो हम चाहेंगे जो हमारे शम्स हैं, शम्स कौन, शम्स शम्स जी आप यहाँ पर आइए और संजय जी आप प्लीज यहाँ पर पधारिए। तो अभी हमारे जो शम्स हैं और एब्स है, हमारी जो अविका है, इनकी खातिरदारी करने के लिए आ रहे हैं मुबीन और अनीता। जोरदार तालियां हो जाए इनके। कावेरी नाइट्स बचाओ में आप सबका स्वागत है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो भी एक प्रेस रिपोर्टर है, लेकिन आप में और उनमें थोड़ा फर्क है। आप टॉप के हैं और वो फ्लॉप से। तो बुलाते हैं मेरे पति को। पति देव आ जाओ यहाँ मरने। अरे क्या बात है, क्या बात है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे शो में। सलमान खान, सोहेल खान, करिश्मा कपूर, और आज देखो कितने छोटे छोटे लोगों को सुपरस्टार बनाने वाले मीडिया वाले भी आ गए। अरे क्या बात है, सनसनी वाले भैया भी आए हैं। सर एक बात बताइए, मीडिया लाइन में थोड़ा पैसा वैसा कम मिलता है क्या? क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं, इतने बड़े शो में आए, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाई तो मुझे लगा ऐसा कुछ। सर आप गौर से देखो इन्हें, कितने क्यूट है। गौर से देखिए इसे, कितनी झूठी है। देखा मेरी हर बात को ऐसे न्यूज़ बना देते हैं। पता है सुहागरात के दिन क्या किया? कैमरामैन ले आए, कहने लगे कि सुहागरात पहली बार लाइव मेरे चैनल पर। सर पता है आप सिर्फ रिपोर्टर नहीं है, आप डॉक्टर भी हैं। सर आपने मेरे दादाजी की बीमारी ठीक कर दी। क्या? हाँ पता है, इनका शो देख रहे थे दादाजी, इन्होंने जैसे ही बोला सुन लो अट्टे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है, दादाजी की 10 साल पुरानी कब्ज खुल गई। दस साल नहीं, 12 साल। अच्छा तुम शादी के बाद यही काउंट कर रही हो? और क्या करूं, मेरा पति ना वो कुछ करता ही नहीं, एकदम यूजलेस है। हाँ ठीक है, रिपोर्टर हूँ, लेकिन देखना एक दिन ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बनाऊंगा ना कि घर में छोटे छोटे संवाददाता घूम रहे होंगे। और फिर वो संवाददाता जो घर में इधर उधर खबरें फैलाएंगे ना, वो साफ करती रहना तुम। हाँ और एक बात याद रखना, खबरें दबाए नहीं दबती, चाहे डायपर से क्यों ना दबाओ। कितने पकाओ है ना मेरे पति, सीरियसली मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल संजय के तरह होना चाहिए था। संजय जी का तो मैं भी फैन हूँ, क्या बोलते हैं? ए मामू, अगर कोई मरीज मरने की हालत में हो तो उसको भी फॉर्म भरना जरूरी है क्या? प्रभाकर सुनो ना, कल मेरा 3 घंटे का लाइव रिपोर्टिंग करनी है मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो ना। ठीक है। नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान स्वागत करता हूँ आपका। एक मासूम को कुचल कर कोई भाग गया, जी हाँ वो तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारे संवाददाता उसे स्टूडियो में ले आए हैं। ये देखिए, ये है वो मासूम चींटी जिसने दम तोड़ दिया। देखो ना हलचल है, जिंदा है, चीटी में हलचल हो रही है। देखिए इसे कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस नन्ही सी जान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या किया तुमने? ये एडिट कर देना। हाँ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सलमान ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। सलमान खान ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं नहीं, वो लेगड़ुआ वाले सलमान कुरैशी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। जी हाँ। क्योंकि सलमान के पास जब मैं गया था तो शेरा ने मुझे पूछना ही नहीं दिया। जी हाँ बढ़ते अगली खबर की तरफ। फिल्म हीरो पंती के बाद टाइगर से हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपको दाढ़ी क्यों नहीं आती। इस बात से नाराज होकर टाइगर उसे कच्चा चबा के खा गया। मैं कहता हूँ कि भाई जंगल के रियल टाइगर से ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? हो गई तुम्हारी न्यूज़? नहीं
नहीं नहीं अभी नहीं हुई, अभी एक बात बोलना बहुत जरूरी है। बोलो। ये सब लोग कहते हैं ना सबसे पहले हमारे चैनल पे, सबसे पहले हमारे चैनल पे, आज मैं आप सबको एक साथ बोल रहा हूँ कि आज आप सब एक साथ सबसे पहले हमारे चैनल पे। क्या बात है, मजा आ गया सर। लेकिन मुबीन जी को देख के ऐसे लग रहा है स्ट्रॉबेरी लग रहे हैं, खट्टी खट्टी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी, बस ये कीड़ा निकल जाए ना स्ट्रॉबेरी से तो स्ट्रॉबेरी का मजा आ जाए। नहीं, नहीं, आपकी दो दिन बासी लग रही है। अरे अनीता, तुम्हें तो कोई और ब्लाउज दिया था, ये कैसे हुआ? सर यार ये बहुत टीवी देखते हैं, पता अभी बैक स्टेज खड़े थे, अनीता बेचारी ऐसे खड़ी थी, कहते तुम ही हो ना वो जो सीरियल में आती हो, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, बेचारी की कर करके देखो उंगली मार मार के फूल बना दिए सर, ये देखिए। खैर जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। सर आप दोनों का भी रेस्ट देंगे हम, गौर से पहचानिए इस शख्स को, अभी दो मिनट में ये चल के बैठेगा उस सोफे पर और ऐसे ऐसे करके सबको देगा मजे। उठिए सर। यस। और सर कैसे हैं आप? सर हाथ नहीं दुखता ऐसे कैसे? मेरा हाथ नहीं दुखता क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता हूँ, इट्स लाइक दिस। वाओ, सच्ची बता रहा सर, दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो दोनों हाथ, दोनों दिल पे बोलो। सच्ची बताइए सर, हाँ। आपने प्याज खाया ना आज? मैंने करेक्ट खाया ना? करेक्ट। लेकिन सर आपकी जो सनसनी की शूटिंग चलती है वो आपको ही पता कैसे चलती है? हमें नहीं पता। नहीं ना, तो आप देखना चाहते हैं कि इनकी शूटिंग कैसे चलती है? वही दिखाने आ रहे हैं कृष्णा, सुदेश और सर हमारे शो की सबसे हॉट लड़की अदा। और बहन के तीनों कौर से देखी है ये भयानक चेहरे को, सन्नाटे को सिरती सनसनी दे रही है दस्तक, कौर फरमाइए दस्तक दस्तक दस्तक, क्योंकि दस के बाद कॉमेडी नाइट्स बचाओ आता है, हमारे शो भी तेल लगाने गए भाई। देख ब्रेकिंग न्यूज, एक आदमी ने महिला को छेड़ा, कई सारे लोगों ने उसे मारा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए, पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। ऐसे लोगों को आग लगा देनी चाहिए मैं तो कहता हूं। मर्दानगी कहां गई इंसानों की? अरे मर्दानगी आवाज से आती है, मर्दानगी एटीट्यूड से आती है। एक मिनट मेरा फोन बजा, कट करना। हेलो मम्मा। मम्मा मैं शूटिंग कर रहा हूँ। अरे इतनी भारी आवाज में बोलना कितना प्रॉब्लम होता है पता है मम्मा? हाँ, कैरेमल कस्टर्ड खाना मम्मा। ओके मम्मा मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ओके बाय। ए शॉट लगाओ। तो गाजियाबाद के बारे में हम आपको बता रहे थे, 8 किलो का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते बच्चा भागने लगा, 15 दिन बाद बच्चा 20 किलो का हुआ, 40 दिन बाद बच्चा 50 किलो का हुआ, और गौर फरमाइएगा वो बच्चा भैंस का था। एक इंसान निकल गया 1000 का नोट, अब वो सुलभ शौचालय गया है, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे दे कि पैसे ले। ब्रेकिंग न्यूज, मैंने दिया दूध। अरे गलत मत समझो, किसी ने मांगा था, मैंने फ्रिज से निकाल के दिया। क्राइम न्यूज सुनिए, क्राइम न्यूज, 80 साल की बुढ़िया को सरेआम जला दिया गया, और जलाने वाला उसी का बेटा था, और वो भी शमशान घाट में। एक कैसा कैसा न्यूज देते हो यार तुम लोग बोलने के लिए, एक तो खाना भी नहीं दिया तुम लोगों ने।
अरे मेरे को भूख लगी, कुछ तो पिलाओ, दूध पिलाओ, चाय पिलवाओ, पानी पिलवाओ, कब से शूटिंग कर रहा हूँ मैं। देखिए इस शातिर चेहरे को, अपनी औकात में रहना कुतरे या नौकर है नौकर रहे। चाय पिला, तब तक हम न्यूज भी सुनाएंगे। ओ हेलो, किसी चाय वाले को मामूली आदमी नहीं समझना, हो सकता है मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। गौर से देखिए इस शातिर चेहरे को। सर चाय पीजिए। हाँ चाय पिला। नाला सोपारा में दो मच्छर पकड़े गए। गौर से देखिए कॉमेडी नाइट बचाओ में कृष्णा सुदेश की जोड़ी में कृष्णा बना सुपरस्टार। आप ही की गली में, मीरा रोड में, मीरा रोड में चूहा पाव भाजी खा के मर गया। आइए हम आपको दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, हम नहीं दिखा सकते। गौर से देखिए क्या कर रहे हैं आप, 2 रुपए की न्यूज सुना रहे, मेरी 400 की चाय गिरा दी आपने, क्या कर रहे हैं? एक मिनट, पहले अपना काम करवा ले, अपना काम करवा ले। सर सर सर, अहमदाबाद की खाड़ी में दो मच्छर। अरे सर मेरा काम ये पेपर बांट दो बड़ा, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा सर, प्लीज ये बांट दीजिए, सारे मोहल्ले में बांटना। अरे सर क्या कर रहे हो आप? गौर से देखिए इस शातिर चेहरे। सर सर मेरी बात, सर ये क्या कर रहे हैं आप? गौर से देखिए, गौर से देखिए, सर मेरी बात तो सुनिए, गौर से देखिए शातिर चेहरे। अरे सर मेरे ऊपर तेरा पिछला पैसा बाकी है साले, दे। गौर से देखिए, गौर से देखिए शातिर आपको, गौर से, गौर से देखिए। सर ये क्या कर, ओ सर को, गौर से देखिए, ओ सर पागल हो गए। विराट कोहली की नाक में घुसा कान खजूर। सर ये लीजिए पानी लीजिए। गौर से पानी का, गौर से देखिए शातिर चेहरा जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। आपने कभी भी टेलीविजन के ऊपर, हम आपको दिखाएंगे। गौर से देखिए सर जी, गौर से देखिए सर, सर पानी, गौर से, गौर से देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, ऐसी न्यूज जो आपको कहीं भी नहीं दिखाई जा सकती। जानबूझ के नहीं करता हूँ। मम्मा सर, सर मैं आपका, मुझे कस्टर्ड चाहिए, मुझे कस्टर्ड, मुझे कस्टर्ड, मुझे कस्टर्ड खाना। कल बहुत बुरी खबर आ रही है, तुम भी देना, फिर मैं तुमको ले लूंगा, ठीक है? पक्का, तुम्हें बच्चा, बड़ा बच्चा है। ओ गॉड ब्लेस यू। चलो शुरू हो जाओ। गौर से देखिए, चलो गौर से पहचानिए शातिर चेहरे को। हाँ गौर से देखिए। हाँ तक लाओ। क्या हो गया? 10 साल हो गए शो करके, अभी हाथ दुखने लगा है मेरा। हाँ तक ले। कोई बात नहीं, देखो देश की न्यूज के लिए मैं कुर्बान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हाथ थके ना। हाँ आ जाओ, मैं तेरे साथ हूँ, चल। पक्का। गौर से देखिए शातिर चेहरे को। नशा जो है हमारे देश को खा रहा है। औरतें घर पे बैठ के अपनी छाती पीट रही हैं। हाय हाय शेरा कोई नहीं तेरा, हाय हाय शेरा कोई नहीं तेरा, हाय हाय शेरा कोई नहीं तेरा, हाय हाय शेरा कोई नहीं तेरा। और मर्द जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए घर पे बैठ के भंगड़ा कर रहे हैं। डिंगे लक्के लक्के डिंग, डिंगे लक्के लक्के डिंग, डिंगे लक्के डिंग। यो यो हनी सिंगर, क्या हो रहा है हमारे देश में? मुझे तो कभी कभी बहुत रोना आता। एक मिनट, नशे ने हमारी नाक में दम कर रखा है। औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, मैं सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, हमारी देश की भूखी
और नंगी जनता से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, क्या देखिए मैं अपनी झोली फैलाकर आप सब लोगों के सामने भीख मांग रहा हूं, ऐसे मत करिए। देखिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सड़क पे थूके नहीं, कचरा ना फेंके, पान खा के पीक ना मारे, और एक मिनट जो सबसे जरूरी चीज है हमारे देश के लिए, सड़कों पे खुले आम शू शू ना करें। अरे सर, हाय, कैसी? ओह माय गॉड, मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ आपको पता है? सर मुझे आपके साथ काम करना है, आप कितने हैंडसम हैं, ओह माय गॉड। ए सीधा काम मांगना है तो मांग, हमको पता नहीं हम कैसे दिखते हैं। अरे सर, हैंडसम हैंडसम किसको बोलती है बे? सर आप सच में कितने हैंडसम हो, सच में हैंडसम बोल रही? सर मुझे लगता है इसको काम की वाकई बहुत जरूरत है, जो आपको हैंडसम बोल रही है। सर दे दो, दे दीजिए। सर आपको पता है मैंने जब से आपको देखा है ना, मैं पागल सी हो गई हूँ, जहाँ देखती हूँ जिधर देखती हूँ बस आप ही को देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। जिंदगी में पहली बार मैंने प्यार किया है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां, वाह वाह। रची था यार, आपको पता है, सुन तो नहीं था, कृष्णा को जब पता चला ना कि रिपोर्टर आ रहे हैं, अरे इसकी सांस ही अटक गई। नहीं तो कॉमेडी कर रही है कि सचमुच में बता रही? सच्ची बता रही हूँ। अच्छा, क्योंकि बंदे ने कांड इतने किए ना, ये डर गया कि कौन सा रिपोर्टर कौन सा कांड ऊपर ले आएगा। कल ही खबर में आया कृष्णा एक 50 वर्षीय औरत के कान में गंदी बात करता हुआ पकड़ा गया। पर मैं एक बात बताऊँ, ये सब अफवाहें हैं, इसको बदनाम किया जा रहा है, औरतें खराब होती हैं तो ही कोई होता है, ऐसे नहीं कोई होता। और आपको एक बात बताऊँ, वो औरत भी आपकी बीवी थी। यार कृष्णा सुदेश का तो ऐसे चलता ही रहता है, लेकिन अता यार तुम्हारा नागिन इतना अच्छा चल रहा, फिर 750 रुपए के लिए इधर ही आती है। क्यों? बट क्यों? Because I love you भारती। अच्छा, काम मेरे साथ करती है, I love you उसको। 500 पता का बीड़ी। सच में सर आप तो कितने क्यूट हो। आई नहीं क्यूट देखो है, काजल डाल के करते हैं। मैं क्यूट हूँ, गौर से मुझे देखो। क्या बात है सर, मजा आ गया, आप क्या कहेंगे? बहुत मजा आया। हमारा ये पागलपन कैसा लगा सर आपको? ये पागलपन ही है जो हमको यहाँ तक खींच कर ले आया। अरे इतनी अच्छी बात बोली ना आपने, कितने टीवी शोज पे मुझे देखा, मैं कभी किसी के साथ कोई फ्लर्ट कोई जप्पी कोई पप्पी नहीं करती। नो, नो, नो। लेकिन इस बात पे सर आपको एक गले लगना बनता ही है। अरे सनसनी भैया सन हो गए, आइए सर आइए। कौन से पहचानिए, खुले बाल में मैं ऐसा लगता हूँ। वैसे एक बात बोलूं सर, आप भी बाल खोल के देखेंगे ना तो आप भी जैकी श्रॉफ लगेंगे ऐसे, इतने अच्छे लग रहे हैं देखिए। लेकिन आज हमारे असली वाले सनसनी और हमारे नकली वाले सनसनी भी है, तो डांस तो बनता ही है दोनों का।
आपको संजय सर? मजा आ गया। अविका स्पान सर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आजकल खबरों में हेडलाइंस जो है वो इनटॉलरेंस है, यहाँ आके लगता है कि कॉमेडी नाइट बचाओ की सख्त जरूरत है, बचा के रखना चाहिए ताकि लोग हंसे। हाँ जी सर, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा सुदेश और अदा के लिए। ओ भारती जी कहाँ चले, शो आगे बढ़ाते हैं। हाँ। और शो के एंड में जो इनके बाबूजी हमेशा कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो, तो सर हमने तो आपको दे दिया, अब आपकी देने की बारी है। आइए जरा सर और अभी थोड़ा स्वागत कर दीजिए। सन्नाटे को चीरती सनसनी, सन्नाटे को चीरती सनसनी। मेरी सनसनी तो भैया हमेशा चीरती रहेगी ऐसे ही। अगर सुकून से रहना है तो गलत काम करना बंद कर दो, ठीक है, वरना मेरी सनसनी हर वक्त देती रहेगी दस्तक। सुदेश जी आप आए, चाय वाले बने, चाय वाले के बारे में किस्सा भी सुनाया आपने, देश जानता भी है। मुझे लगता है आपको अमृतसर के मेले में जाके पिछवाड़े पे अगर जैम लगा के आप बंदर बात करते तो ज्यादा। बहुत अच्छा, आप सभी तमाम लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और जनरली हम लोग क्राइम के हैं तो टीवी पे हंसने का मौका नहीं मिलता है, क्राइम रिपोर्टर को बुरी बुरी खबरें दिखाते हैं, हंसेंगे तो लोग गाली देंगे भगा देंगे। आज पहली बार खुल के इतना हंसने का मौका मिला, सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी आप सबसे डाउन टू वाटर है, आई मीन डाउन टू अर्थ तो होता ही है, लेकिन आपने जितनी भी फिल्में की सारी डूब गई तो डाउन टू वाटर सही। भारती जी की बात है जी। एक बार मैं बाबा रामदेव के योग शिविर को कवर करने गया था जी। वहां देखा तो भारती भी वहां बैठी हुई थी। अनुलोम विलोम शुरू होना था और पहली सांस जैसे इन्होंने ली तीन लोग वहां से लापता हो गए योग शिविर से। बाबा रामदेव तक इस हादसे की जानकारी गई, नाराज हुए बाबा, उन्होंने सीधे सीधे हिदायत दी कि भाई आप मत आया करना शिविर में, वरना लोग जो भक्त हैं उनके वो कम हो जाएंगे। और से देखिए इस चुलबुली हसीना को जिसका नाम है भारती। अब भारती के बारे में क्या कहें, भारती जब सड़क पर चलती हैं तो इनको आते जाते देख करके लड़के जो हैं वो भी रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। और लड़के तो छोड़ो, सांड भी रास्ता छोड़ देते हैं, ये सोचकर छोड़ देते हैं कि रहने दो, इससे ज्यादा अच्छे शेप में तो मेरी गाय है। अभी चांद का एक टुकड़ा हो तुम, मुंह पर बहुत दाग मिल जाएंगे, मोटी हो इतनी कि जब तुम चलो सड़क क्या है पुल तक भी हिल जाएंगे, रिक्शा तुम्हें देख रोने लगे, टैक्सी भी आंखें भिगोने लगे, तब तुम मेरे पास आना भारती, पीछे ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। श्रुति जी ज्यादा हंसी मत आप ही के बारे में, हा? आपकी फिगर मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल साइज जीरो, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी आपकी फिगर की तरह साइज। चलिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। और से देखिए शख्स को जो लोगों को हंसा हंसा कर उनकी बत्तीसियां बाहर करवा देता है और फिर उन्हीं बत्तीसियों को इकट्ठा करके किसी डेंटिस्ट के पास जाकर बेच देता है। आप रख लीजिए। और फिर दुनिया को कहता है कि मैंने गोविंदा को मामा रखा हुआ है। रखा हुआ है। ऑडियंस आज मैं करण भाई हूं, मजा आया आप लोगों को? मजे और मस्ती के साथ हम आपको फिर मिलेंगे अगले सैटरडे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स। बचाओ।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.